हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट वगैरह चल रही है बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, अगर आपने देखे हैं पहले वाले लेक्चर, तो उसमें हमने डिस्कस कर रखे हैं काफी सारे थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन। तो उनको यूज करके हम वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में आते हैं। जस्ट लाइक मास्टर कैडर हो गया, लेक्चरर कैडर हो गया, गेट फिजिक्स हो गई, नेट फिजिक्स हो गई। तो जैसे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो बेसिक से फॉर्मुलेशन है या मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं या थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन है जिसको हम यूज करते हैं, वो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा। सो एंट्रोपी ऑफ ए गैस कंटेनिंग एन पार्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम वी इज गिवन बाय। तो ये वाला लेक्चर मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया था परसों, उसी को यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्रोपी का रिलेशन दे रखा हुआ है हमारे पास, वेयर इज द टोटल एनर्जी, ए इज ए कॉन्स्टेंट, के बी इज ए बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एंड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये हमें पूछा गया है कि केमिकल पोटेंशियल इस सिस्टम के लिए कितना होगा अगर हमें एंट्रोपी पता है। तो बेसिक सा रिलेशन है, हम यूज करने की कोशिश करेंगे। पहले बता देता हूँ, दो तरह के रिलेशन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, आइदर दिस वन और दैट वन, दोनों में से आपका आंसर निकल आएगा। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो कौन सा इजी है कौन सा टफ है वो हम देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो पहला रिलेशन अभी तक मैंने आपको बता रखा है, दैट इज टी डी एस प्लस इज इक्वल टू टी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन वाला पार्ट आज मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले वाले लेक्चर में ये वाला पार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया था, बिकॉज ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं होता। अगर इसको ड्राइव नहीं करते हम, इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो माइनस म्यू इंटू डी एन साथ में लिख दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी वाला पार्ट, ये हमने पहले ही देखा हुआ है। माइनस म्यू डी एन म्यू इंटू टी एन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। म्यू यहाँ पे होता है बेटा केमिकल पोटेंशियल, एन इज ए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है जी। तो ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला रिलेशन हमारे पास ये हो गया जी। अब जो फोर्थ रिलेशन है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं, वहां पे आ जाती है गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट। तो जो केमिकल पोटेंशियल होता है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गिब्स फ्री पोटेंशियल। गिब्स जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट करके वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी पहले निकालते हैं, वहां से हम निकालेंगे केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन। सो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, एंट्रोपी का जो यहाँ से रिलेशन ड्राइव होगा, फोर्थ रिलेशन को अगर हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, अगर हमारे टेम्परेचर का हम कॉन्स्टेंट कर दें, सॉरी अगर हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले वाले ऑप्शन बचेगा और लास्ट वाला बचेगा, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म बचेगी, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इन दोनों को क्लब करके क्या निकलेगा, कर्ल जी बाय कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिलेशन बन के आ जाएगा। अगर ये वाला रिलेशन हमारे पास पहुंच चुका है, तो इसको इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज एंट्रोपी हमें पता है, एंट्रोपी ये वाला रिलेशन हमें गिवन है, इट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन सॉल्व कैसे करोगे, पहले क्या क्या करना पड़ेगा, बिकॉज गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इंटेग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। इंटेग्रेट करेंगे, इंटेग्रेशन का कोई सिंपल सा फॉर्मुलेशन है, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो अगर आप इसको इंटेग्रेट करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी इंटेग्रेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीटी, सिंपल सा काम। तो डीटी के साथ आप जाओगे तो एंड ऑफ डीटी यहाँ पे क्या बचेगा, टेम्परेचर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर की टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी राइट हैंड साइड पे, बाकी कुछ नहीं है। एक हमारे पास कॉन्स्टेंट बचेगा लॉग ऑफ ए, के भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है लिख सकते हो, इट इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट, मैंने लिख दिया। अब हम हमारे पास केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल याद रख लीजिए, जी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन को यूज किया जाता है, केमिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास ये वाले फोर्थ जो ऑप्शन है, ये वाला फॉर्मुलेशन गिब्स फ्री एनर्जी के साथ आता है, इसको आप यूज करते हैं। तो ये भी आपके लिए रिमेम्बर रखने लायक चीज है। तो ये भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है केमिकल पोटेंशियल को सॉल्व करना। तो केमिकल पोटेंशियल आपने निकाल लिया कर्ल जी बाय कर्ल एन, अब हम पहले हमने इंटेग्रेशन की थी विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ,
ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ। अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन के साथ, तो भाई हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं इसको, म्यू इज इक्वल टू कर्ल जी बाय कर्ल एन, इसको इंक्लूड कर लेंगे तो केमिकल पोटेंशियल यहाँ से निकल आएगा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओनली आपके सामने जो मैंने सॉल्व कर रखा है उसी को यूज करेंगे। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वहां पे क्या बनेगा, ये ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट होगी, बाकी सारे किसी में -3/2 दे रखा हुआ है, किसी में ए वाला पोर्शन भी दे रखा हुआ है -KBT, उसको आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है कौन सा नहीं। यहाँ पे 3/2 दे रखा है, 3/2 नहीं है, ब्रादर देन इट इज 5/2, तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो हमारा आल्सो रॉन्ग, तो ये वाले बी और डी हमारे ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाते हैं, मतलब ये काम के नहीं है, दीज आर रॉन्ग ऑप्शन, ओनली हमारे पास ए ऑप्शन जो है वही ठीक बैठती है। अब इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इजी वे के साथ। जैसे मैंने वो पहले बता दिया कि आपके पास दो तरीके तो होते हैं, दो एटलीस्ट दो मेथड तो होंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट है यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, रादर देन डिस्कसिंग अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी हम यहाँ पे डायरेक्टली केमिकल पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाती है डिफरेंशियल वाली, जहाँ इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका फर्स्ट पार्ट हमें पहले पता था, आज हमने इसका सेकंड पार्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि इस इक्वेशन को प्रॉपरली लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो इसको आप रिमेम्बर रखेंगे रादर देन दी प्रीवियस वन, इसको इस इक्वेशन को आप रिमेम्बर रखने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ले ली ठीक है जी, और लास्ट टर्म ले ली, इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे और वहां से क्या निकलेगा, कर्ल एस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कर्ल ऑफ एन निकलेगा, कर्ल एस बाय कर्ल एन इट विल बी इक्वल टू -μ/T, इसी को हमें सॉल्व करना है। मतलब केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल यहाँ से आएगा -T कर्ल एस बाय कर्ल एन, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, मतलब एनर्जी एंड पोटेंशियल यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेंगे अदर देन एनीथिंग। सो यहाँ पे हमारे इसको सॉल्व करने चाहोगे तो एनर्जी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास ओनली एन वेरिएबल हो गया, ये वाला पार्ट वेरिएबल है, ये वाला पार्ट वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे कॉन्स्टेंट हैं। इसको आप धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ज्यादा कुछ नहीं है, दो तीन लाइनों का आंसर आ जाएगा आपके पास, दो तीन को लाइन नहीं लगेंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बना बेटा, यहाँ पे आपके पास सेम आंसर बना जो आपके पास पहले दिया हुआ था। तो चाहे आप कोई सा कोई भी मेथडोलॉजी लगा लीजिए, बस आपको फंडे क्लियर होने चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर ये चार रिलेशन क्लियर है, मैं बार बार यही चीजें क्लियर कर बोलता रहूंगा, अगर आपको ये चार रिलेशन यहाँ पे जो मैंने बता रखे हैं अगर ये वाले क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। तो ये वाली चीज माइंड में रखिएगा, ये चार रिलेशन जो है यही हमारे काम की चीज है, इसी को यूज कर करके हमने सारी की सारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सारे के सारा पार्ट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, जस्ट लाइक जो थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन आप सॉल्व कर सकते हो, एंट्रोपी निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, या कोई भी टर्म थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कोई भी आपको आपको पूछ लिया गया है, एंथाल्पी कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी जैसे हमने आज कैलकुलेट किया वो आपके निकाल पाओगे, एंट्रोपी कैलकुलेट कर पाओगे। तो ऐसे ही कोई भी आपको रिलेशन आ जाता है तो उसको निकालने के लिए या तो मैक्सवेल इक्वेशन यूज करोगे या तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेरियस रिलेशंस आपको यूज करके उसको यूज कर सॉल्व आउट कर सकते हो। तो काफी सारे न्यूमेरिकल आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जो एग्जाम में पैट क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे बेटा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।